इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य चुल्लक जी महाराज जी की जय। कुमारी माया जैन महाराज से पूछती हैं, मेरे परम पूज आराध अति महान सुध ज्ञानी आगम कुशल परम उपकारी गुरुदेव के परम चरणों में बार बार नमोस्तु। महाराज जी, धन्य कुमार की कथा में अवधि ज्ञानी मुनिराज ने एक कन्या के पिता से पूछने पर बताया कि तुम्हारे उद्यान में जो राहगीर रात में विश्राम करेगा वह सुबह होते ही तुम्हारे उजड़ा हुआ उद्यान हरा भरा हो जाएगा, वही तुम्हारी कन्या का वर होगा। तो गुरुदेव, प्रश्न है, जिज्ञासा है कि वर्तमान भाव का गठबंधन अतीत के भाव से निर्धारित होता है क्या? क्या इसमें कोई और कर्म का रोल होता है? ये सामान्य निमित्त ज्ञान कहलाते हैं। निमित्त ज्ञान से जैसे आप कुंडली मिलाते हो ना, उन्होंने अवध ज्ञान से कुंडली मिला ली। कर्मों का जो संबंध कुछ होता है, कुछ कर्मों का संबंध पूर्व भाव से भी होता है, लेकिन सभी का संबंध पूर्व भाव से हो ऐसा नहीं समझना चाहिए। कुछ महान आत्माएं होती हैं, महान पुरुष होते हैं, उनके भाव निश्चित हो जाते हैं। जैसे तीर्थंकर के जुड़ने वाले लोगों के, तीर्थंकर के माता पिता के, ये कुछ ऐसे महान पुरुष हैं जो ऐसा पुण्य कर लेते हैं कि उनकी सारी व्यवस्थाएं पहले से होती है। जैसे आप लोगों के यहाँ कोई भी बड़ा आदमी राष्ट्रपति आएगा तो उसे सब चीज़ें मांगना नहीं पड़ेंगी। आने के बाद व्यवस्था नहीं होगी, आने के पहले व्यवस्था हो जाती है कि राष्ट्रपति कहाँ बैठेगा, किन किन के साथ बैठेगा, कौन कौन उससे वार्तालाप करेंगे, कौन कौन उसको माला पहनाएंगे। ये जैसे ही आपका डिसाइड होता है पहले, क्योंकि वो बड़ा आदमी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, तो उसके आने के पहले सब कुछ व्यवस्थित होता है। ऐसा ही ये जो महान आत्माएँ होती हैं, इनके आने के पहले ही कर्म उनको सब डिवाइड कर देता है। लेकिन यही नियम तुम सब पे लागू करोगे तो सब पे लागू होने वाला नहीं है। रेखा जैन नोएडा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आजकल मंदिर जी में सामग्री बनी हुई हम लोगों को मिलती है, क्या हमें वह सामग्री उपयोग में करनी चाहिए या अपने घर से ले जाकर के वहाँ धो कर के उपयोग करना चाहिए, उचित तरीका क्या है? ये व्यवस्थाएं अपने घर से ले जाते हो सर्वश्रेष्ठ, लेकिन यदि कहीं मंदिर की सामग्री लेते हो तो उतना पैसा जितना आपने लिया उतना गुल्लक में डालना चाहिए। उतनी सामग्री प्रमाण आपको मंदिर में देना चाहिए तो फिर निर्माल का दोष नहीं लगेगा।
अब आप कहें कि किसी श्रावक ने रख दिया है कि भाई जो लोग आए उनको हमारी तरफ से रख देना, तो उसने तो पुण्य कमा लिया, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप अपना द्रव्य गुल्लक में ढालें। जैसे आप चतुर्मास आदि में देखते हैं सब पंचायती श्रीफल होते हैं, और पंचायती श्रीफल तुमने पूछा कमेटी से कि किसके श्रीफल है, बोले चतुर्मास समिति के। नहीं, कायदा से आपको अपना श्रीफल लेना चाहिए, और कमेटी ने आपकी व्यवस्था बनाई है तो जितने श्रीफल आपने चढ़ाए हो उतनी आपको रसीद कटा लेना चाहिए, और उन श्रीफलों का तभी वो श्रीफल चढ़ाने का पुण्य लगेगा। नहीं तो ऐसे तो सभी लोग मंदिर का बाबा जी का माल बाबा जी को अर्पित है। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जिन स्वादिष्ट वस्तुओं को हम पहले खाते थे और बाद में, एक मिनट, जैसे जैनी हो आप लोग, जैनी कभी भी कहीं भी फोकट में भोजन नहीं करता, अपने रिश्तेदार के यहाँ नहीं करता। रिश्तेदार के यहाँ भोजन करता है तो कुछ ना कुछ आते समय पालने में पड़े हुए बच्चे को दे के आता है। ये कुछ नहीं है बंधु, ये बिल पेमेंट करने का तरीका है, बिल पेमेंट करने बच्चे को दे करके आता है, वो बहुत बड़ा तरीका है। कहीं भी तुम्हारे निःशुल्क भोजन की व्यवस्था होती है वो कमेटी की व्यवस्था है, कमेटी ने तुम्हारी व्यवस्था की है, बहुत अच्छा किया। लेकिन आपको कायदा से जितने का आपने भोजन किया है उतना दान किसी ना किसी बहाने से गुल्लक में रसीद के कांटे कटाना चाहिए, यही सबसे बड़ी उत्कृष्ट व्यवस्था है। भली समाज की तरफ से किसी व्यक्ति की तरफ से, उसने तो पुण्य कमा लिया कि जितने लोग आए प्रचल दिन भर में 1500 लोग आए, उसको तो पुण्य लगेगा। लेकिन 1500 लोगों ने जो भोजन किया है उनको उसका ऋण कैसे चुकाओ, इसके दो तरीके हैं। बहुत अच्छे पैटर्न, अच्छा प्रश्न आया। जैसे मान लीजिए आपको आज किसी ने भोजन व्यवस्था की चल रही है, अब उसका भोजन आपने कर लिया क्योंकि उसने घोषणा कर दी थी भाई सबको मेरी तरफ से भोजन की, अब जिन जिन ने भोजन किया है उन उनको उस व्यक्ति को अपने यहाँ एक बार भोजन को जरूर बुलाना है। सुन रहे हो कलकत्ता बम्बई वालों, मान लीजिए तुम दिल्ली से आए, कलकत्ता से आए, एक्स वाई कहीं से आए, तो अब ये पूछो यहाँ तुमने निःशुल्क भोजन कर लिया, उसकी तरफ से कर लिया, सम्मान के साथ किया, इज्जत के साथ किया, लेकिन व्यवहारिकता क्या बनती है। जैसे रिश्तेदारों में है, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो तो बाद में एक बार उसको अपने यहाँ भी बुलाना पड़ता है, रिश्तेदारी का नियम है। ऐसा ही जिसका तुमने भोजन किया है, जितने लोगों ने किया सब यहाँ से उसका एड्रेस लेके जाएं कि भाई आप कमेटी वालों आज बताओ किसके यहाँ की भोजन की व्यवस्था है, उसका पूरा एड्रेस ले में, जब आपके यहाँ कोई कार्यक्रम होवे तो उसको आपका कार्ड आना चाहिए कि भाई हमने आपका एक बार भोजन किया था, आप मेरे यहाँ पधार करके हमें उस व्यवहार से मुक्त करो। तो 1000 लोगों ने भोजन किया तो 1000 का निमंत्रण कार्ड उसके बाद आना चाहिए कायदा से, फिर तुम्हें कुछ भी नहीं देना क्योंकि चुका दिया। अब वो आवे या नहीं आवे कोई बात नहीं, लेकिन आपका कार्ड दो तो, या तो ये करो, सारे भारत के लोग सुनो, जहाँ जहाँ जिस कार्यक्रम में जिसकी तरफ से भोजन हो उसको एक बार अपने घर बुला करके उसको भोजन कराओ, ये व्यवहार है। ये कठिन है कि सरल है? कठिन है, सरल है, तो बहुत अच्छी बात। और सबसे अच्छा है बुलाने के चक्कर में काय को पड़ रहा है, सबसे बढ़िया है उसने यहाँ खाया, तुमने उतने रुपया अंदाज तो सब आज को मालूम है, हमने कितनी रोटी खाई, कितनी मिठाई खाई, समथिंग उतना रुपया सीधा गुल्लक में डाल के आ जाओ, यहीं का यहीं व्यवहार चुक गए।
कल पता नहीं हम उसको बुला पाए कि नहीं बुला पाए, उसके बीच में मर गए तो वो कर्जा बना रहेगा। इससे अच्छा है कि इधर तुरंत के तुरंत ये व्यवहार लिया और ये व्यवहार दिया, ये होना चाहिए व्यवस्था कायदा थे, क्योंकि वो ही रिश्तेदारों में व्यवस्था है। व्यवहार तुम्हारे यहाँ लगा है तो तुम उसके यहाँ जाते हो, वो तुम्हारे यहाँ आता है, और नहीं जाते हो तो किसी ना किसी बहाने उतनी गिफ्ट लेके जाते हो। पहले एक विषमता चलती थी बुंदेलखंड में, पठोनी, पुराने लोग जानते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे खाली डिब्बा नहीं जाएगा, डिब्बा में कोई ना कोई मिठाई सामान रख के जाएगा, क्योंकि हम वहाँ भोजन करेंगे, अपना भोजन खोल के नहीं, तो अपना डिब्बा वहाँ रख देंगे और वहाँ का भोजन कर लेंगे। ये जैनियों की आदर्श परंपरा है, यानी फ्री में तो वो अपने ससुराल में भी नहीं खावे, वहाँ भी टिफिन लेके जाता है, खाली हाथ जाएगा नहीं, झांसी के झांसी में भी जाएगा तो पहले जाता था, अब आजकल ये सब रिवाज खत्म होते जा रहे हैं। ऐसे ही सब चीज़ में, मंदिर की द्रव में, नरियल में, श्रीफल में, सब में अपना शस्याति सर्गो दानम, अपना ध्यान त्याग करने का नाम ही दान है, बाकी तो सब ठीक है। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिन स्वादिष्ट वस्तुओं को हम पहले खाते थे, बाद में जब जानकारी मिली कि उनमें मांस आदि मिला होता है, जो डिब्बा बंद चीजें होती हैं, तो अभी हमने उन त्याग कर दिया, मगर स्मृति में उनका स्वाद बना रहता है, तो क्या हमारे नियम में दोष लगेगा? मतलब स्मृति में उसका जो हमने पहले खाया है अभक्ष चीजें, तो स्वाद बना रहता है, तो थोड़ा थोड़ा दोष तो आ गई, ज्यादा दोष नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा दोष आता है। और आप लोग जब बैरागी हो गए तो आपको उन वस्तुओं का स्वाद अगर आता है तो आपको भी क्या बंद होता है? मुझे आता ही नहीं, तो कैसे जबरदस्ती लपेट रहे अपने साथ में? वाह भाई, अपने साथ में मुझे भी लपेट लो, जैसे तुम्हें याद आती है ऐसे हमें भी आती होगी, यानी तुम कहीं जाते हो तो तुम्हें अपनी मम्मी की याद आती है, तो हमें भी अब मम्मी की याद आती हो तो महाराज आप क्या करते हो, यही प्रश्न पूछ रहे ना, ऐसा होता नहीं है। और हम लोगों को इस प्रकार स्मरण आता नहीं, और आता है तो एक सेकंड में, मान लो कोई स्मृति आई, जैसे कभी वहाँ से निकलते हैं, उन स्थानों से निकले जो पूर्व में परिचित हैं, कोई मित्र आया जो पूर्व में परिचित है, तो एक सेकंड को आएगा, बस उसके बाद तुरंत तत्व दृष्टि में चला जाएगा, रुक नहीं पाएगा विचार। स्मृति तो आएगी, आ सकती है स्मृति में, लेकिन वो स्मृति राग पैदा नहीं कर पाएगी, वो स्मृति द्वेष पैदा नहीं कर पाएगी, उसके पहले ही अपने उपयोग को वो तत्व दृष्टि में भेज देगा। अभी पिता जैन थांदला से पूछती है, नमोस्तु गुरुदेव, पंचम काल के जीव क्या विदेह क्षेत्र में उत्पन्न हो सकते हैं, तो किस प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं? भद्र परिणामों के लिए आगम में ऐसा उल्लेख है, 123 जीव इस पंचम काल में अलग अलग समय में विधेय क्षेत्र में जाके उत्पन्न होंगे, वो 123 का नियत किया गया है, और आगे पीछे और जावे तो कोई बड़ी बात नहीं, वो भद्र मिथ्या दृष्टि जाएंगे। भद्र मिथ्या दृष्टि का अर्थ, वे 123 पुत्र यहाँ से सीधे विधेय क्षेत्र में जन्मेंगे, वहाँ से सीधा मुनि व्रत धारण करके मोक्ष चले जाएंगे, उनकी गणना है, और जो सामान है वो तो कितने भी जाते हैं आते हैं ऐसा। दिनेश कुमार राठौर, नमोस्तु महाराज जी, आपने झांसी के प्रवचन में कहा था कि मजदूर बनकर दान करोगे तो सिर्फ मजदूरी मिलेगी, और बेटा बनकर के दान करोगे तो पूरी बसियत मिलेगी, तो महाराज जी हम बेटा बनकर दान कैसे करें, यह हमें समझाने का प्रयास करें। बेटा बनने का अर्थ वहाँ थोड़ा सा तुमने संशोधन कर दिया, हमने ये कहा है कि देव शास्त्र गुरु की सेवा हम नौकर बन के करेंगे, जैसे अभिषेक है हम नौकर बन के करेंगे, भगवान की पूजा हम नौकर बन के करेंगे, तो फिर हमारे लिए उसमें मजदूरी मात्र मिलेगी, और बेटा भी पिता की सेवा करता है लेकिन नौकर मान के नहीं करता,
उसके बदले में वो मजदूरी नहीं चाहता, वो कहता है मेरे पिताजी हैं, मुझे इनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए ये मेरे भगवान हैं, इनकी पूजा करना मेरा कर्तव्य है। तो ऐसा बेटा कहलाता है और ऐसे बेटे को पिता की वसीयत मिलती है, नौकर को नहीं। ये प्रसंग महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जल की बूंद सा जीवन है हमारा और अहंकार विशाल सागर सा है, महाराज जी क्या जल की बूंद का तालमेल सागर से होकर जीवन में शुचिता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जीवन तो जल की बूंद के समान है और अहंकार विशाल सागर के समान है, तो दोनों में तालमेल हम बिठा करके जीवन को स्वच्छ कैसे बना सकते हैं? सागर भी तो बूंदों ही से बनता है, इसलिए सागर कोई अधिक चीज नहीं, बूंदों ही से बनता है। जब अलग हो जाता है तो बूंद हो जाती है और जब मिल जाता है तो सागर हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम सारे जगत से मिलके चले तो हम सागर के समान हैं। सागर सारे जगत के संबंध में हम अच्छा सोचें, सागर के समान है। सारे जगत के लिए हम भला करें तो सागर के समान है। और अलग होकर मात्र अपने संबंध में सोचें तो पानी बूंद के समान है, बहुत जल्दी उड़ जाओगे। तो वहाँ जो पानी की बूंद की उपमा दी गई है वो अस्थिरता चंचलता, जैसे वाष्प की पानी की बूंद थोड़ी सी धूप लगते ही ख़त्म हो जाती है, ऐसा ही थोड़ी सी टक्कर लगते ही यह जिंदगी भी ख़त्म हो जाती है। आरसी जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम रोज रोज मंदिर की गोलक में जो दान डालते हैं प्रतिदिन, वह अच्छा है या हम इकट्ठा दान देते हैं वह अच्छा है? ये तो आपकी सुविधाएं हैं, क्योंकि एक साथ नहीं निकाल पाते हो तो थोड़ा थोड़ा निकाल लीजिए। गुल्लक कोई ऐसी चीज़ नहीं कि रखना ही चाहिए। आप एक साथ बजट नहीं निकाल पाते, थोड़ा थोड़ा निकालेंगे तो हो जाता है। एक साथ तुमसे कोई कहे कि 10 लाख रुपया निकालो तुम तो दिक्कत पड़ जाएगी, और प्रति महीने 1,000, 2,000, 5,000 निकालो तो साल भर में निकालोगे। किस्तों में थोड़ी सुविधा हो जाती है, भार नहीं पड़ता, मानसिक टेंशन नहीं होता। खर्च उतना ही होता है लेकिन मानसिक टेंशन ना होने से किस्तों की परंपरा आपकी मानसिक क्षमता के ऊपर है। यदि आप इतने बड़े हैं, इतना आपका उदार हृदय है, इतना आपका विशाल हृदय है कि आप एक साथ 1 करोड़ रुपया निकाल दें तो आपको घबराहट नहीं होना चाहिए। 1 करोड़ निकालें कैसे नहीं? तो आपको धीरे धीरे निकालो। और यदि आप इतने बलवान हैं, आपका विल पावर है तो एक साथ निकालिए तो पुण्य भी एक साथ आएगा। किस्तों में दोगे तो पुण्य भी किस्तों ही में आएगा, धीरे धीरे दोगे तो पुण्य भी किस्तों में आएगा, और एक साथ दोगे तो पुण्य भी एक साथ थोक में आएगा। वो तो टिट फॉर टैट है, जैसे तुम्हारी व्यवस्था हो। यदि हम सामने वाले को कुछ सहयोग करते हैं तो यदि हमने उसको किस्तों में सहयोग किया है तो हमारा पुण्य भी किस्तों में आएगा। जैसे छोटा छोटा पैसा आएगा आएगा, खर्च होता जाएगा। आप बोल रहे थोड़ा थोड़ा पैसा आना ठीक है कि एक साथ पैसा आ जाए वो ज़्यादा उपयोगी है? एक साथ आए, क्योंकि हमें मालूम है ये लोग किट्टी पार्टी खेलती है, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर करते तो मैंने इसको समझा, भाई ये किट्टी पार्टी क्या है, इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं पर साल भर में किसी एक को इकट्ठा मिल जाता है। तो एक साथ जो अपन दान देते हैं उसका पुण्य उसके हिसाब से लगता है। पुण्य भी कभी ऐसा आएगा धोखे से कि एक कार्य करोगे और एक कार्य में ही करोड़ों बच जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा दोगे तो किराने की दुकान के समान पौआ भर गुड़, पाव भर तेल, 200 ग्राम मिर्ची, 50 ग्राम धनिया, दिन भर में बही खाता बनाते रहो और शाम को गिन लेना 2,000 रुपया, 10,000 गिन लो और क्या। अब 100 चीज़ें बेची तब तुम कमा पाए,
क्योंकि तुमने दान भी ऐसे ही दिया, किस्तों में भी दिया, और जो एक साथ दे देते हैं उनका पुण्य भी एक साथ बनता है। वो तो आपकी व्यवस्था है, आपका विल पावर कितना है, आप इतने महान दानी हैं, कोई बात नहीं, एक साथ निकालने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम तो अपना सब पुण्य के लिए दे रहे हैं। सबसे बड़ा है दान देते समय ये सोचना चाहिए हम किसी को दे नहीं रहे हैं, हम बो रहे हैं। देने की बात आती है तो मन विकल्प में चला जाएगा, हम दे नहीं रहे हम बो रहे हैं। यदि हम किसी गरीब का सहयोग कर रहे हैं तो आप मत समझना कि मैं गरीब की सहायता कर रहा हूं, आप अमीर बनने की खेती कर रहे हैं। आप एक रुपया भी तुमने गरीब को दान में दिया है, किसी को सहयोग दिया है, और उसने जो तुम्हें दुआ दी है वो दुआ तुम्हारी ऐसी स्थिति बना देगी कि तुम्हारे जीवन में ऐसी संकट आ जाएंगे, लेकिन पता नहीं सबके धंधे चौपट हो जाएंगे, तुम्हारा धंधा चलता रहेगा, उस गरीब की दुआ तुम्हारे साथ चल रही है। गरीब चिल्ला के दुआ नहीं देता है, वो बैंक में जमा हो जाती, और वो गरीब की दुआ तुम्हारी जिंदगी में ऐसा काम करेगी कि हम महाराजों के आशीर्वाद भी कोई काम नहीं करते, क्योंकि वो आपने जो उसको दिया है उसने दुआ एक साथ दी, वह हमारी जिंदगी इनके साथ चल रही है, इनके निमित्त से चल रही है। पर देखो इसके चमत्कार क्या होते हैं। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे जो कहते हैं कि नहीं सबके धंधे चौपट हो गए, मेरा धंधा चल रहा है। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, सब कहते महाराज मैं 6 महीने के उधार देता हूँ तो कोई लेने नहीं आता है, और मेरा पड़ोसी 6 महीने पहले नगद ले लेता है तो भी लाइन लग रही है। क्या है ये सब? उसी दी हुई दान की दुआएं। इसलिए जब भी कोई दान दो ये मान के देना चाहिए मैं बीज की खेती कर रहा हूं। बीज को कभी व्यर्थ में मत मानना। जैसे तुम्हारे मन में ये आ जाए कि ये बीज मेरा खर्च में जा रहा है, बस उसी दिन से तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो जाएगा, बुरे दिन चालू हो जाएंगे। और जब से ये पड़ा मैं किसको दे रहा हूँ, मैं तो अपने अमीर बनने की खेती कर रहा हूँ, परमार्थ की खेती कर रहा हूँ। ऐसा राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम ग्रस्तों को जिनालय में कम से कम और अधिक से अधिक कितना समय देना चाहिए धर्म ध्यान करने के लिए? अच्छी बातों के लिए सीमा नहीं बांधी जाती, बुरी बातों की सीमा बांधी जाती। परिमाण पाप में बांधा जाता है, पुण्य में नहीं बांधा जाता। खर्च में सीमा बांधना चाहिए, दान को असीम कर देना चाहिए। घर में रहने की सीमा बांधना चाहिए, मंदिर को असीम कर देना चाहिए। धर्म की कोई सीमा बांधवा, धन तो इतना असीम कर दो कि जितना हो सके। संसार की सीमाएं बांधो क्योंकि वो पाप रूप होते हैं। ऐसा लोकप्रिय धार्मिक चैनल जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल एवं सुधा कलश चैनल के लाखों गुरुदेव के भक्तों की ओर से एवं बुंदेलखंड के समूचे जैन समाज की ओर से परम पूज गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज के इस जिज्ञासा समाधान में पहले जिज्ञासु के तौर पर तैयार रहेंगी कीर्ति मनीष जैन चंदेरी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती जूली अभिनंदन मोदी। शीघ्रता से खड़े हो जाए। चलिए, इसके बाद तैयार रहेंगी अमोली जैन। जैसे ही मैं नाम बोलूं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, आज सुबह आपने प्रवचन में बोला था कि राम भगवान का नाम सारे पुराणों में आता है, तो महाराज जी
आज के युवाओं की जिज्ञासा है कि पहले जैन धर्म आया है, हिंदू धर्म आया है? इस चक्कर में इस राष्ट्रीय मन से न कहलवाओ तो अच्छा है, बस जिस माध्यम से हमारे यहाँ एक ही बात है, क्रिया में अहिंसा और दृष्टि में वीतरागता, जिस धर्म में आया हो वही प्राचीन धर्म है। क्रिया में अहिंसा और दृष्टि में वीतरागता, जिस धर्म में आया हो वही प्राचीन धर्म है, इतना मानना चाहिए सर। कुमारी अमोली जैन के बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सचिन जैन करगुआ। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जब घर में या मंदिर में कोई भी शुभ कार्य या पूजा होती है तो हमें काला कलर पहनने को या उसका कुछ भी यूज करने को मना करते हैं, तो और महाराज जी जो मंदिर जी में मूर्ति रखी हुई है पार्श्वनाथ भगवान जी की, तो उसका कलर काला है भगवान जी, तो काला जो कलर है जो हम ग्रहण करते हैं, काला होना और काला ग्रहण करने में अंतर है। बाल काले होते हैं, काले किए नहीं गए, काला कलर था किया नहीं गया है। काली चीज हम ग्रहण करते हैं तो वो नकारात्मक स्थिति छोड़ता है, वो शोषण करता है। आपने देखा होगा सर्दी के दिनों में डार्क कपड़े क्यों पहनते हो और गर्मी के दिनों में लाइट, तो डार्क जो कपड़े आप कोट है जो कुछ भी है डार्क होते हैं क्योंकि वो शोषण करता है चारों तरफ से। इसी प्रकार से काला कपड़ा जो है वो नकारात्मक शक्ति को पैदा करता है, वो अपना राजशाल सबको मिटाएगा, सबको मिटाएगा, सबको बर्बाद करने की सोचेगा, स्वयं तानाशाही करेगा। कितने लोग काले कपड़े पहनते आपने देखा होगा, वो प्रायः प्रायः क्रूर होते हैं, हिंसक होते हैं, वो दूसरों को मिटा करके जिंदा रखना चाहते हैं, उनके अनुकूल जो नहीं होंगे वो क्रूर होंगे। ज़्यादातर काले स्थिति में हिंसा भाव आता है, हिंसक भाव आता है, इसलिए कलरों का भी सबका अलग अलग रूप माना जाता है और वो इतना निर्दयी हो जाता है कि उसके अंदर दया भाव नहीं आता, किंचित मात्र भी दया भाव नहीं आता। वो जब निर्दयता पे उतरता है तो कांपता नहीं, इसलिए सज्जन लोग धार्मिक कार्यक्रमों में काले का कर का उपयोग नहीं करते हैं, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो बुरी दृष्टि वाला होता है। आपने देखा है कि जब नज़र नहीं लग जाए तो एक काला कपड़ा टांग देते हैं, यानी सामने वाले का बुरा विचारता है। तो जब दूसरों का बुरा करना होता है, वो चाटन मारन करना पड़ता है, दूसरों का नाश करता है, तो काला कपड़ा काला रंग उसके लिए अधिक वो प्रभावकारी होता है। और इसलिए और लेकिन जो भगवान के कलर थे ये काले उन्होंने किए नहीं थे, वो काले रंग के थे। तो जो नेचुरल होता है वो अशुभ नहीं होता और जो ग्रहण किया जाता है वो अशुभ होता है। नमस्ते महाराज। डॉक्टर संजीव जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कीर्ति जैन चंदेरी। और काले कलर के नहीं थे, सांवले श्याम वर्णी थे, दो गोरे दो सांवरे दो हरिया दो लाल, 16 कंचन वर्ण हैं 2400 जन राज। अब तुम्हें सांवले कलर का मत्थर नहीं मिला, तुमने काले बना दिए तो काले हो गए, काले काले नागों वाले बाबा की। सांवले और बहुत एकदम बहुत अच्छे थे, वो काला कर भी इतना अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु चुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न है, मैं कई दिनों से आपका शंका समाधान सुन रहा हूँ, एक भी शंका समाधान ऐसा नहीं जाता है जिसमें कि संस्कार और शिक्षा की बात ना हो, शिक्षा और संस्कार की बात ना हो, शिक्षा और संस्कार को लेके सभी लोग चिंतित रहते हैं। महाराज जी क्या जैन समाज इतने संगठित होते, जैन समाज में विभिन्न संगठन हैं, गुरुओं का मार्गदर्शन है और जैन समाज सभी
तरीके से संपन्न है, फिर भी क्या हम अन्य संप्रदायों की तरह, जैसे हमारे बच्चे आज CKC स्कूल में या किसी अन्य संप्रदायों की उसमें पढ़ रहे हैं, तो क्या हम जैन समाज एक लॉर्ड महावीरा या सुदासागर पब्लिक स्कूल की एक चेन ऐसी स्टार्ट नहीं कर पाते कि जहाँ पे हम अपने अपने साथ साथ अपने जैन समाज के बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी जैन समाज से जोड़ें? महाराज जी, तो क्या हमारे जैन समाज के संगठनों में कमी है या गुरुओं के मार्गदर्शन में कहीं कमी रह जाती है, या हम लोग पूरी तरीके से अनभिज्ञ हैं, या आज हम आयोजनों में ही व्यस्त हैं? उसमें आप भी एक शामिल हो। जितना लेक्चर आपने दिया, शायद उस लेक्चर को आप पे भी लागू किया जाए तो आप भी वही कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज है, धनवान व्यक्ति स्वार्थी होता है, वो दुनिया की चिंता नहीं करता है। वो कहता है कि हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है, हम पढ़ा लेंगे, और वही उसके विनाश का कारण बनता है। दूसरी बात, जैन समाज जो है, इन कार्यों को करने की मैं बहुत प्रेरणा दे रहा हूँ। अभी दो चार दिन पहले ही पूरा 1.5 घंटे का प्रवचन था। राजस्थान में मैंने कई स्थानों पर स्कूल खुलवाए, वहाँ मैंने कर दिया, हर तीर्थ के साथ एक स्कूल जरूरी है। जितने तीर्थ हैं वहाँ देख लेना, प्राय अपराय एकाध को छोड़ करके, जिस तीर्थ को मैंने आशीर्वाद दिया, मैंने उनको दो ही सलाह दी, धार्मिक कार्य के साथ एक सोशल कार्य करना अनिवार्य होगा, अन्यथा मैं उस क्षेत्र को नहीं लेता। प्राय राजस्थानों में देखिए, आप जितने क्षेत्रों पर आते, हर क्षेत्र के साथ हर क्षेत्र पर एक स्कूल मिलेगा आपको। तो करना चाहिए, और बहुत जरूरी है। लेकिन जैन समाज पैसा बढ़ने से स्वार्थी हो जाता है व्यक्ति। जब किसी व्यक्ति का बच्चा बिगड़ता है तो उसको ये बातें याद आती हैं। जैन समाज की दशा वो है, जब लड़की की शादी आती है तो दहेज बहुत बुरा है, अभिशाप है, और जब लड़के की शादी आती है, दहेज तो देना ही चाहिए, उसका कर्तव्य है। तो ये स्थितियाँ हमारी समाज की बनती जा रही हैं, लेकिन होना चाहिए, खुलना चाहिए, और हम उपदेश भी देते हैं। आपके पास कोई ग्रुप हो तो आप 10 लोगों का ग्रुप बना के आ जाइए, मैं कल ही आशीर्वाद दे दूंगा खोलने का। क्या है, रायचंद ज्ञानचंद हुकमचंद बहुत, करमचंद नहीं मिल रहे हैं। करमचंद मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। बनाओ अपने गुरु, बनाओ अपना संगठन, और आओ सामने। कश्मीर कैसे नहीं हो सकता, सब हो सकते, क्या नहीं हो सकता। जब क्रिश्चियन लोग कॉन्वेंट खोल सकते हैं, तो क्या उसकी बराबरी का जैन समाज एक स्कूल नहीं खोल सकते? जब प्राइवेट की बात आती है तो कितने धंधे अपने विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं। अब देख लीजिए, यहीं देख लीजिए, आज पावागढ़ की जमीन जो थी, आज व्यक्तियों ने अपने अपने स्वार्थ के नर्सिंग होम बना लिए। क्या यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती थी? क्या कॉलेज नहीं बन सकता था? क्या विद्यालय नहीं खुल सकता था? खुल सकता था। पैसा तो वही लगा, जितने जितने मकानों में पैसा लगा है, इसी पैसे से इसी भूमि पर परमार्थ के कार्य किए जा सकते थे, किए जा सकते, लेकिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि अपना खुद का होमवर्क होम बनाने की जिद तैयार है। मंदिर की जमीन मिले, किसी की मिले, फोकट में मिले, जैसे मिले तैसे। आजकल जैनियों को सब पच जाता, डकारी नहीं लेते, डकारी नहीं लेते, ये भी नहीं सोचते कि मंदिर की जमीन है, हम इस पर कर्म छेद कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा। समाज के लोगों ने ली, समाज के लोगों को उस समय विरोध करना चाहिए थे कि नहीं, इस जमीन पर तो सोशल कार्य होना चाहिए, समाज के उत्थान के कार्य होना चाहिए। क्यों नहीं किया गया विरोध? झांसी 10 साल पहले भी थी या नहीं, बोलो थी कि नहीं? क्यों नहीं हुआ? होगा कैसे? चोर चोर मौसेरे भाई, 2 प्लाट तुम ले लो, 2 प्लाट हम ले लेते, 4 तू ले ले, चुप बैठ, ये हुआ है तुम्हारे यहां। तुमने किया, तुम्हारे पूर्वजों ने किया, ये बात नहीं कह रहा हूं, पर झांसी वालों ने किया।
जिसने मुंह चलाया उसी को एक प्लाट दिया, चुप, बोल गया ठीक है चलने दो, खाओ और खिलाओ, मौज करो। ये हुआ, सारी समाज मिलकर के एक सोशल कार्य यहाँ पर करती, विद्यालय आदि करती, कर सकती थी। अभी भी आपसी में लड़ रहे हैं, महावीर 2500 निर्माण महोत्सव ने सरकार ने जमीन दी, आज कितने साल हो गए, 2500 निर्माण 48 साल में सरकार क्या करे, 48 साल तुम्हें जमीन दिए हो गए, इतनी बड़ी समाज में आज तुम्हारा एक कोई सोशल कार्य नहीं कर पाए महावीर स्वामी के नाम का। एक कार्य, लड़ने में बैठे हो, बंटवारे करने में बैठे हो, उसमें भी होम, क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, नर्सिंग होम, होम बना करके किराए पे देने को बैठे हो। आज तुम्हारे अंदर मात कमाने के अलावा कुछ नहीं है, ये बना दो किराया आएगा, किराया कहाँ जाएगा, क्या करोगे किराया कमा करके, पैसा कहाँ जाएगा, इतनी संपत्ति बेच दी पैसा कहाँ है, इतनी संपत्ति बेच दी पैसा कहाँ है, उस पैसे का उपयोग तुमने क्या किया। चलो कोई बात नहीं, मैं बेचने के पक्ष में हूं, मैं मान लो कोई जमीन ऐसी पड़ी है जो कि वहां कोई उपयोग नहीं हो सकता तो मैं करता हूं, बेचवाता हूं, जमीन बिकवाता भी हूं, वहां से बेच करके जो पैसा आएगा उसको अच्छे स्थान पर जाके लगा करके इमारत खड़ी कर दो ना, कहां बुरा है बेचना। मान लो इतनी जमीन बेची थी, कोई बात नहीं, बेचने वालों को मैं आशीर्वाद देता हूं, बेच करके जो पैसा आया वो पैसे से क्या काम हुआ है, जिसमें समाज का नाम हो, जिसमें समाज कह सके हाँ हमारी समाज ने इतना रुपया बेच करके देखो एक नई चीज खड़ी कर दी जिससे झांसी समाज का मस्तक ऊंचा उठ रहा है। किराए का पैसा आता है कहां जाता है, किस गरीबों को पलते हैं, कौन व्यक्ति पलता है, कौन सा करगुआ बना लिया, यदि ये सारी जमीन बेच करके करगुआई का विकास कर लेते तो जानते कम से कम वो बेच करके क्षेत्र का विकास कर लिया। आज 5 बीघे का जमीन पड़ी सर, 48 साल क्या होता है, कल के दिन तुम सरकार को दोष दोगे, एक छोटा सा सोशल कार्य नहीं कर पाए, इतनी बड़ी समाज यहाँ है, लड़ने में अभी तैयार है, कोई पदों को छोड़ना नहीं चाहता अंदर से, सबकी नीयत खराब है कि हम बैठे रहें और धीरे धीरे ये जमीन भी हड़पने का मौका मिल जाए। जो जो व्यक्ति अपने पदों को नहीं छोड़ना चाहता है निश्चित समझना उसकी जमीन पर नीयत खराब है, और उसकी नीयत इतनी खराब है कि एक दिन वो खुद ही खराब हो जाएगा, फिर क्या करोगे। झांसी का एक इतना बड़ा प्लेस है, एक सोशल कार्य नहीं है यहाँ झांसी के अंदर, इतना बड़ा प्लेस है मेडिकल का, एजुकेशन का भी कम नहीं है, एजुकेशन का भी बहुत बड़ा सेंटर है, मेडिकल का तो है ही, कर सकते हैं काम, करने में कोई बाधा नहीं, सागर वालों ने किया, भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र बनाया, भाग्योदय में बनाया, क्यों नहीं कर सकते तुम, बस एक ही है, जब तक तुम्हारा संगठन नहीं होगा, एक संगठित नहीं होगी, एक आवाज नहीं होगी, तब तक मुझे तो डर लग रहा है किसी दिन करगुआ की जमीन भी ऐसे ही के नर्सिंग होम न बनवा दो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। मंदिरों की जमीन, समाज की, सरकार जमीन दे रही तुम्हें, 2500 निर्माण महोत्सव में बहुत बड़ा कार्य सरकार ने किया था, आज 50 साल में तुम कुछ नहीं कर पाए और लड़ने बैठे हो, हड़पने बैठे हो, उसी जमीन में अंदर हड़पने बैठे हो कि हमें मिल जाए, और उसी जमीन में कुछ भी बनाने के लिए बस सब फाइलें लेके घूम रहे हैं, जब कोई साधु उसमें आए तो सब अपनी अपनी फाइल, मैंने ये किया, मेरे बाप ने ये किया, मेरे दादा ने, ये सब दिखाते फिरते, लेकिन फील्ड पर क्या हुआ, तुमने बहुत किया, तुम्हारे बाप ने बहुत किया, लेकिन फील्ड पे क्या हुआ, फील्ड पे क्या हुआ, तुम्हारी दशा ऐसी है कि दो मूर्ख थे जो दोस्त थे, तो दोनों एक दिन खेल रहे थे, बेरोजगार थे, तो उन्होंने कहा यार तू कौन सा धंधा करेगा,
बोले यार देखो मेरे से कोई धंधा फानी तो होता नहीं, मैं तो थोड़ा एक खेत खरीदूंगा और उसमें फसल बोऊंगा। बोले तू कौन करेगा? देख यार मेरे से खेती मेती होती नहीं, मैं तो दो चार भैंसे खरीदूंगा और दूध बेचूंगा। दोनों ने धंधा तय कर लिया। दोनों जने बातें करते करते, यार सुन अपन लोग दोनों दोस्त हैं, यदि कल के दिन अपन ऐसे बैठे गप्पे करते रहे और तेरी भैंस मेरे खेत में चली गई तो फिर क्या होगा? उसने कहा भैया चली गई तो चली गई, भैंस है। तो बोले तेरी भैंस मेरे खेत में, चच्चा देखता हूं जाके दिखाए। तो वो भी कहता है तू खेती बोके दिखा, तू खेती बोके दिखा। वो कहता तेरी भैंस आके दिखा। वहां केवला पड़ा था केवला, बोले ये ले मेरा खेत, वही ऐसे खेत है, बोले ये ले मेरा खेत लाके दिखा भैंस। तो उसने एक कंकड़ दिया, ये है मेरी भैंस, और दोनों में तेरी भैंस मेरे खेत में आई। दोनों ने एक दूसरे के सिर फोड़ दिए, पुलिस हुई, FRI हुई, केस चला, कमिश्नर नियुक्त हुआ कि पहले ये देखा जाए भैंस ने खेत का कितना नुकसान किया है। कमिश्नर आया, भैया खेत कहाँ है और भैंस कहाँ है? फील्ड पे तो कुछ है ही नहीं, अकेले कह रहे हो कि मेरे मैंने ये किया, मैंने इतना किया, मैंने सुरक्षा की, मैंने ये किया, सब कह रहे हैं लेकिन फील्ड पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो ऐसी चीजों के लिए आप लोग क्षेत्र बाबू ने प्रश्न किया, आ जाओ तुम्हें जिसके लिए आशीर्वाद चाहिए हो 10 लोग मिलके आओ आशीर्वाद पाओ। आओ 10 लोग सामने, मैं ये करना चाहता हूँ, बनाओ विद्यालय। मैं तो बना नहीं पाऊंगा, मैं तो उपदेश दे सकता हूँ। 4 शक्तियाँ चाहिए किसी भी कार्य करने के लिए, साधु का मन और वचन, श्रावक का तन और धन, ये 4 जहाँ मिल जाएंगे हर कार्य असंभव संभव हो जाएगा। तुम्हारा क्या चाहिए? तन और साधु का क्या चाहिए? मन और वचन। मैं मन और वचन देने को तैयार हूँ, तुम तन और धन दे दो, कार्य चालू करो। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, जब नरकों में बहुत भीषण गर्मी लगती है तो सैमर के पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो सैमर के पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो शरीर पर गिरते हैं तो शरीर को काट देते हैं। तो नरक में क्या एक इंद्रिय जीव होते हैं, और कौन सा हम कर्म करते हैं जिसकी वजह से हम नरक जाते हैं? प्रत्येक वनस्पति है, वो प्रत्येक वनस्पति मध्य लोक में ही होती है, नरकों में प्रत्येक वनस्पति नहीं होते। वो दूसरा नारकी सैमर का पेड़ बन के खड़ा हो जाता है, और जैसे वो आता है उस पर वो टूट पड़ता है, इसलिए वो नारकी हैं ना। वहाँ एक इंद्री प्रत्येक हैं, ना कीड़े मकूड़े हैं वहाँ, ना वहाँ नदी नाले हैं। ये सब विक्रिया से दूसरे नारकी को दुख देने के लिए वो ऐसा रूप धारण कर लेते हैं। और हम ऐसे कौन से कर्म करते हैं जिसकी वजह से हम नरक जाते हैं? ऐसा कौन सा कर्म करते हैं जिसकी वजह से नरक जाते हैं? व्यवहारम परिग्रहत्वम नारकस्य, ऐसा बहुत आराम परिग्रह के जो शौकीन होते हैं उनको नरक मिलता है। नमोस्तु महाराज। अब तैयार रहेंगी श्रीमती राखी प्रवीण जैन दैनिक विश्व परिवार, उसके बाद तैयार रहेंगी सलोनी जैन प्रतिभा स्थली। वर्तमान के आचार्य समंत्रभद्र स्वामी, आपको कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे वर्णी सदस छुल्लक जी, आपके चरणों में कोटिसा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरु जी, मेरी शंका यह है कि मेरी माँ ने गर्भावस्था में आहार दान दिए थे, और बाल्यावस्था में नानी दादी ने भी आहार दान चौका पड़घान करा मैंने उनके साथ, और जब मेरी शादी होके आई
तो मुझे बड़ा गौरव महसूस हुआ कि मेरी दादी शहर से यहाँ तक 7 किलोमीटर दूर सिर पे सामान रख के चौका लगाने आती थी। जिज्ञासा। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं वर्तमान समय में यदि चौका लगाती हूँ तो मेरा पूर्व संस्कार है कि वर्तमान का पुरुषार्थ है, और द्वार प्रेक्षण की सही विधि क्या है? दोनों है, संस्कार भी है और पुरुषार्थ भी। सलोनी जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नंदा जैन झांसी। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इच्छामि महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मैं प्रतिक्रमण करती हूँ तो 10 लाख वनस्पति और 14 लाख मनुष्य गति और माता पक्ष 94 लाख माता पक्ष और पिता पक्ष 99.5 लाख कुल कोटि, तो ये क्या है मेरी जिज्ञासा? ये भूगोल की वैरायटियां होती हैं, जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी दोनों प्रकार। 14 लाख तो मनुष्य गति, 84 लाख योनि और 199.5 करोड़ कुल कोटि। ये जहाँ जीव उत्पन्न होता है इन दो प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे मनुष्य होता है कि दो प्रकार के परमाणु जब मिल जाते हैं तो गर्भ में जीव आ जाता है, ऐसा ही मिट्टी के दो परमाणु मिल जाते हैं तो वहाँ जीव की उत्पत्ति हो जाती है। इस पूरे ब्रह्मांड में स्त्री जाति के और पुरुष जाति के परमाणु भरे पड़े हैं, और ये दोनों परमाणु जहाँ मेल कर लेते हैं वहीं जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो पुरुष जाति के परमाणु 199.5 करोड़ हैं पूरे 3 लोक में, स्त्री जाति के जो परमाणु हैं वे 84 लाख हैं इस संपूर्ण पृथ्वी में, ऐसा मानते हैं। सलोनी जैन पृथ्वी स्थली के बाद तैयार रहेंगी मानी दीदी गुरसराय, ब्रह्मचारिणी मानी दीदी गुरसराय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा ये है, जैसे हम लोग कोई व्रत पालन करना चालू करते हैं फिर हमारी प्रतिकूल परिस्थिति के कारण हम लोग पालन नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग उसी क्रम में व्रत पालन करना चालू कर सकते हैं या फिर हम लोग को शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है? किस परिस्थिति में आपको बीच में टूटा है? जैसे सूतक आदि कुछ परिस्थिति आ जाती है उसके कारण हम लोग व्रत पालन नहीं कर पाते हैं। देखी जाती है, बीमारी से छूटा है, प्रकृति से अशुद्धि आदि कारण छूटा है तो पुनः नहीं करना, लेकिन तुमने किसी शादी विवाह में जाने के कारण टूटा है कि कल व्रत करना था और उसी दिन बारात आ गई तो तुमने कहा अब ठीक है आज का छोड़ते हैं, खाने पीने कारण छूटा है तो वो क्वालिटी देखी जाएगी किस कारण से छूटा है। यदि आपने किसी और सांसारिक कार्य कारण छोड़ा है तो आपको फिर से करना पड़ेगा, किसी बीमारी या प्राकृतिक आपदा के कारण छूटा है तो पुनः करने की जरूरत नहीं, जहाँ से छूटा है वहीं से शुरू कर सकते। महाराष्ट्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ब्रह्मचारिणी मानी दीदी के बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज जैन सुजानगढ़। मेरे आराध्य परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इक्षामि महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है, तो क्या सम्यक दर्शन के लिए 8 अंगों का होना आवश्यक है? वो 8 अंग उसी रूप में हो गए ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु की बात पर, सच्चा देव और गुरु है और उनकी वाणी है, उनके ऊपर निसंकित हो जाना, उनके प्रति जो भावनाएं कही हैं निकांक्षित हो जाना, कांक्षाएं नहीं रखना, तो देव शायद गुरु में ही 8 अंग लगाना है, उनमें शंका नहीं करना।
देव शायद गुरु के मार्ग पर चलने वाले लोगों का स्थितिकरण करना, वात्सल्य करना, देव शायद गुरु की प्रभावना करना, तो आठों अंग देव शायद गुरु में ही लगाना चाहिए ऐसा। नमोस्तु मारे श्री मनोज जैन सुजानगढ़ के बाद तैयार रहेंगी सबीता जैन चंदा प्रभु जिनाले झांसी। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में अतिशय क्षेत्र जामनेर जहाँ पवन मंदिर है, सुजालपुर मंडी की ओर समस्त समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर मेरी जिज्ञासा ये है कि सभी लोग सुधार के कार्य करने की तो राय देते हैं, लेकिन हमने पाठशाला का संचालन भी किया है और पाठशाला में जब बच्चे शुरुआत करते हैं, बच्चे पाठशाला में आते हैं और जब आने के महीने दो महीने बाद घर पे जाके कहते हैं कि पापा रात्रि भोजन नहीं करना है, आलू प्याज नहीं खाना है, तो कहते हैं रहने दे, तू पाठशाला जाना बंद कर दे, मेरे को मत सिखाए। तो इस प्रकार से महाराज जी जो बच्चों को पाठशाला जाने से रोकते हैं, उनको किस कर्म का बंध होता है और जो समाज को कितनी हानि होती है, इस बारे में मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। दो कारण है इसमें, रोकने वाले क्यों रोकते, उस कारण में आपने कभी पूछा बच्चों लोगों को रोका, तो आपने कभी पेरेंट्स से पूछा, कभी समाज की मीटिंग ली कि भाई आप बच्चों को पाठशाला क्यों नहीं भेजते, वो कारण बताएंगे, उन कारणों को आप सुलझाइए। एक जैनियों का स्कूल था, महाराज जी धर्म कमेटी ने मेरे पास शिकायत की, महाराज जैनियों के स्कूल में जैनी नहीं पढ़ते, सबसे सस्ता है सबसे सही है। मैंने पूरी समाज की मीटिंग की, मैंने एक एक व्यक्ति से पूछा आप अपना बच्चा अपने जैन स्कूल में क्यों नहीं भेजते, जो उन्होंने शिकायतें की उन शिकायतों को सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने कहा अच्छा रहा जो अपना बच्चा नहीं भेजते थे, उनसे पूछो क्यों नहीं भेज रहे हैं। महाराज जी जो धर्म का पालन नहीं कर पाते, जो श्रावक रात्रि भोजन करते हैं या आलू या अभक्ष खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर विचार करो। ठीक है ऐसे 10% लोग होते हैं जो अपने बच्चे को धर्मात्मा नहीं बनाना चाहते, लेकिन 90% लोगों की समस्याएं हैं। आप उनको सोचो कि उनको बच्चा भेजने में कितनी समस्या है, अकेले घर में फैमिली सिंगल फैमिलियां हैं, पार इस मंदिर तक कैसे अकेले भेजें, रास्ते में ट्रैफिक बहुत है, वो स्वयं जा नहीं सकते इतनी देर के लिए साथ में, तो हमें आने जाने की व्यवस्था। हर पाठशाला जब भी चलेगी, जब पाठशाला को स्कूल सिस्टम से चलाओगे, बाकायदा पाठशाला का ऑटो हो, बाकायदा जो व्यवस्था हो, एक व्यक्ति हो घर से बच्चे को लाए, घर से बच्चे को छोड़ दे, जैसे स्कूल चलते हैं पाठशालाएं जीवित हो जाएंगी। दूसरी बात है पाठशाला में बैठने का स्थान, आज स्कूलों में देखो LKG वालों के लिए किस प्रकार का स्कूल बनता है, किस प्रकार का कमरे को सजाया जाता है और पूरे कमरे में चित्र बनते हैं स्कूलों के। आप बच्चों के पढ़ाने वाले पाठशाला में धार्मिक चित्र बनाइए जिससे वो पढ़ें, नवोकार मंत्र लिखाइए, 24 भगवानों के नाम लिखाइए। आपने स्कूलों में देखा, स्कूलों में दीवारों पर 12 घड़ी की अक्षर लिखे रहते हैं, व्यवस्थाएं बनी रहती, तब बच्चा स्कूल में ठहरता है। आपको बच्चे के लाने के लिए पाठशाला अच्छी बनाओ, पाठशाला में फर्नीचर अच्छा हो, पाठशाला में पढ़ाने वाले अच्छे हों, तब कहीं जाकर पाठशालाएँ चलेंगी। मात ये रोने से काम नहीं चलेगा कि पाठशाला में बच्चे नहीं आ रहे हैं, हमें पाठशाला का हमारे पास भवन ही नहीं है, तुम्हारे थोड़े चार लोग आ गए महाराज आ गए पाठशाला हटा दो, कोई शादी विवाह हुआ पाठशाला बंद कर दो, पाठशाला का भवन हो उसमें फर्नीचर हो, पढ़ाने वाले बिल्कुल अप टू डेट हो और आने जाने की व्यवस्था हो, तो देखता हूँ फिर पाठशाला नहीं चलेगी, फिर मैं इनकी खबर लूंगा कि अब क्यों नहीं भेज रहे हो। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती सविता जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री प्रतीक जैन नोएडा। मेरे गुरुदेव के चरणों में कोटिसा नमन नमन नमन, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, तीर्थंकर केवली सामान केवली दीक्षा लेने के बाद पिछी कमंडल लेते हैं या नहीं,
अगर लेते तीर्थंकर को जरूरत नहीं है, अगर लेते हैं तो उन्हें कौन देता है? नहीं लेते, सामान्य केवली वगैरह जो रहे हैं बनते हैं वो मुनि अवस्था में रखते हैं। केवली के बाद तो कोई भी नहीं रखता, मुनि अवस्था में रखते हैं। जंगलों में रहते हैं ऐसे महाराज जिनको केवल ज्ञान होता है, जंगलों में मयूर पंख पड़े हुए मिल जाते हैं वो उठा लेते हैं और उसी को पीछे बांध लेते हैं। कमंडल वगैरह भी सूखी तुमड़ियाँ मिल जाती हैं वो सूखी तुमड़ी को तोड़ करके बना लेते हैं, यही उपयोग होता है। श्री प्रतीक जैन नोएडा के बाद तैयार रहेंगे। श्रीमती चंद्रकांता जैन भोपाल। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, चुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामी। गुरुदेव मेरा जिज्ञासा ये है, जो प्रतिमाएं मंदिर जी में हम विराजमान होती हैं उनके हम पंचकल्याणक करते हैं, पांचों कल्याणक होते हैं उस प्रतिमाओं के, तो जब सिद्ध कर देते हैं मोक्ष कल्याणक बनाते हैं, सिद्ध हो जाती हैं वो प्रतिमाएं, और सिद्ध के बाद तो अशरीरी हो जाते हैं भगवान, फिर हम उन्हें ही प्रतिमा को सशरीर अरहंत अवस्था में विराजमान कैसे करते? चलो बाबू मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, चार कल्याणक करा दूंगा तुम्हारे यहाँ के भगवान के, फिर पांचवा कल्याणक कब कराऊंगा? क्योंकि नियम से अरहंत बनने के बाद मोक्ष जाएंगे कि नहीं? जाएंगे। पक्का जी? तो अब उस मूर्ति का कब कराएंगे? फिर कब कराएंगे? कौन सी जा? 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 1000 कभी होगा कि नहीं? एक बार। दूसरी बात है, पंच कल्याणक में गर्भ मोक्ष कल्याणक की कोई क्रिया नहीं होती, संस्कार होता है जिससे ये ना हो जाए कि अरहंत ही बने रहना, अरहंत कभी सिद्ध को प्राप्त नहीं होते। इसलिए पंच कल्याणक में मोक्ष कल्याणक का मात्र आरोपण होता है, क्रिया नहीं होती, कोई मंत्र नहीं होता, आरोपण होता है। इसलिए वस्तुतः क्रियात्मक और मंत्रात्मक चार ही कल्याणक होते हैं, पांचवा तो इतिहास की सुरक्षा के लिए कर दिया जाता है जिससे उनका मोक्ष होगा, नहीं तो बाद में कब मोक्ष कराएंगे? और मोक्ष नहीं होगा तो अरहंत का तो कभी न कभी मोक्ष होता है, एक बात। दूसरी बात, स्थापना निक्षेप से जब हम मूर्ति में लाते हैं तो हम चार कल्याणकों को ही मूर्ति का वहीं सब कुछ क्रियाएँ हो जाती हैं, मोक्ष कल्याणक का उपचार किया जाता है, होता नहीं। नमस्ते। श्रीमती चंद्रकांता जैन भोपाल के बाद तैयार रहेंगी। श्रीमती अंशु जैन यूएसए। स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी नमो, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरे साथ पद्म है महाराज जी, घर मेरा घर में रहकर अपना आत्म कल्याण किस प्रकार करूंगी और समाधि मरण किस प्रकार से होगा? अपना समाधि मरण है, घर से मोह माया जाल छोड़ो, घर की चिंता बंद करो, बहू क्या कर रही है उसमें विकल्प हटाओ और दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, यही समाधि का लक्षण है। मेरे पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु एंड चुल्लक महाराज श्री को इच्छामी। महाराज श्री, आपसे सुना है कि शांति धारा करते समय हमें किसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ओनली अनुमोदना करनी चाहिए। सेम थिंग हमें आहार दान देते समय भी हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, या तो इंडिविजुअल करना चाहिए या अनुमोदना करनी चाहिए। तो मेरे को आपके इसके संदर्भ में आपसे कुछ जानने की इच्छा है और आपके द्वारा किए गए वास्तविक व्यवस्था तो यही है कि आहार दान उन्हीं को देना चाहिए जिनका चौका है, बाकी सबको हाथ जोड़ना चाहिए। ये हाथ लगाने की व्यवस्था है ही नहीं, तो फिर देने की है, देने की भी नहीं। तुम कहोगे महाराज जी अब हाथ लगा करके अब 500-500 लोग खड़े हो जाओगे तो क्या कराएंगे? हाथ नहीं लगाएंगे तो 500 लोगों से एक एक से हम रहेंगे तो हमें 12 बज जाएंगे, हमें पैरों के भर खड़े होना, हमारे पैरों पर तो दया करो कम से कम। तो 5-7 लोगों को ही देना चाहिए, बाकी सब लोगों को हाथ जोड़ना चाहिए। जो शांति धारा का नियम है वो यहाँ होना चाहिए, सब हाथ जोड़ के बैठ जाओ। अलग अलग देने के लिए नहीं कहा गया, वहाँ शांति धारा एक ने कर ली 100 ने कर ली, नहीं, सब लोग जिनका चौका है
वो आहार देवे, बाकी सब लोग हाथ जोड़े, यही विधि है। ये व्यवस्था कल से आप लोग बना लो। तुम कहो कि 500-500 लोग सब अपना अपना एक एक आहार ग्रास देंगे तो ना हम इतना ले पाएंगे, क्योंकि हमारा पेट भी ज़्यादा बड़ा तो है ना। हाँ, जितना हो और भोजन कितना लेंगे, ज़्यादातर तो गर्मी में क्या लेना पड़ता है, पेय लेना पड़ता है, तो कितना कर पाएंगे। हाथ जोड़ने की परंपरा, सब लोग हाथ जोड़ते रहो, मैं हार कर रहा हूँ, देने वाले को देखो, लेने वाले को देखो, और अंदर ही अंदर बोलो धन्य दाता धन्य पात्र, बस इतने में तुम्हारा बेड़ा पार है। महाराष्ट्री आपके द्वारा दिए गए सभी उपकारों के प्रति आपके सादर आभार। नमोस्तु महाराष्ट्री। परम पूज्य गुरुदेव भगवान, मेरे पास एक ऑनलाइन जिज्ञासा व्हाट्सएप पर आई है। जिज्ञासा वैसे जो है वो इससे संबंधित और संदर्भित प्रश्न जिज्ञासाएं पूर्व में हो चुकी हैं, लेकिन गुरुदेव आपकी आज्ञा से इसको कर रहा हूँ। ये राहुल जैन ने पूछा है, इनकी जिज्ञासा है कि झांसी शहर में जैन समाज के द्वारा संचालित विद्यालय नहीं है जो CBSE / ICSE पैटर्न पर आधारित हों, और जिसमें झांसी और आसपास के क्षेत्रों के जैन समाज के बच्चे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ सकें, क्योंकि 99.99% झांसी जैन समाज के बच्चे CBSE / ICSE पैटर्न पर आधारित स्कूल अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में ही पढ़ते हैं, और मेरी तरह अन्य माता पिता को भी यह चिंता रहती है कि उनके बच्चे अन्य बच्चों के टिफिन से कुछ अनजाने में सामिस भोजन ना कर लें। गुरुदेव इस पर मुझे समाधान देने की कहो। पहले इतना लंबा लेक्चर दे दिया हमने, आप जे तो देखो ऐसे ही नहीं होगा, कौन करेगा, 10-20 लोग आओ और सब बजट राव के महाराज जी विद्यालय मैं बनाऊंगा, कोई कहे कि विद्यालय बनाने के बाद चलाने की व्यवस्था मैं करूंगा, ऐसे सेठ है यहाँ पर, बहुत बड़े सेठ है, मेरे से कहलवाओ मत। और खुलवाना है पोल पट्टी तो मुझे नरेंद्र मोदी को पूछना पड़ेगा, उसको शामिल करना पड़ेगा, वो बताएगा कि इनकी झांसी वाले की जानियों की क्षमता कितनी है। अरे एक एक व्यक्ति विद्यालय बना सकता है, बरुआ सागर के एक छोटी सी समाज, एक व्यक्ति ने संशाला, एक व्यक्ति ने विद्यालय, एक व्यक्ति ने धर्मशाला, एक व्यक्ति ने मंदिर, ना चंदा हुआ ना चिट्ठा हुआ, 7 लोग खड़े हो गए, 7 कार्यक्रम पूरे हो गए। ये है करने वालों की तुम तो यहाँ 15 दिन हो गए, उनको 10 दिन मिले थे, और 10 दिन में 10 लोगों ने कबाड़ा दिखा दिया, पूरी समाज दे 10 लोग, ओनली 10 लोग, उन्होंने कहा काय को चक्कर में पड़ दो, एक हमें बांट लिया, यहाँ 15 दिन हो गए एक व्यक्ति नहीं आया, सब दुनिया भर की बात है, सब मेरे पे, मैं क्या करूँ, कमंडल की बोली लगवा दूँ, कोई व्यक्ति 15-20 दिन में नहीं आ रहा है जो कहे महाराज जी आप बताओ क्या करना है, मंदिर मैं बनाऊंगा, धर्मशाला मैं बनाऊंगा, संशाला मैं बनाऊंगा, और जो महावीर 2500 निर्माण महोत्सव की जमीन पड़ी है उसमें विद्यालय मैं बनाऊंगा, आप आशीर्वाद दीजिए, एक नहीं आ रहा है, सब बड़े यही महाराज जी आकाश में से टोंटी खोल देवे, कारण करे बरुआ सागर वाले क्या कमाल करके दिया, कुछ नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई चिट्ठा नहीं, और सब लोगों ने कर लिया, और ध्यान रखना धर्मशाला संशाला कमरे आज तक विश्व में कहीं घोषित नहीं हुए, 8-8 लाख रुपए का एक एक कमरा था तो भी पूरे कर दिए, धर्मशाला के कमरे तुम यहाँ 2.5 लाख रुपया, मैं 2.5 ज्यादा 2 कर दो, 6 तो जागो, ऐसे प्रश्न करने से कुछ नहीं होने वाला है, जो व्यक्ति ऐसे दमदार व्यक्ति सामने आओ जो ये कह सके, आज मान लो वहाँ महावीर उसमें करना है कुछ काम करना है, आओ 2-4 लोग व्यक्ति कि महाराज आप खर्चा बताइए क्या करना है, विद्यालय अकेला मैं बना दूंगा, अस्पताल अकेली मैं बना दूंगा, काम करने के लिए चाहिए तो ये तो कोई सामने आ नहीं रहे, मंदिर को देने के लिए तो कुछ नहीं है, मंदिर की जमीन लेने मिल जाए तो अभी भी मुंह बाके बैठे, मंदिर की जमीन के प्लाट मिल जाए तो अभी बंटवारा, कल ही बंटवारा कर दो, खोल दो महावीर चिकित्सा, 5 एकड़ में प्लाट कट रहे हैं,
सारी बनिया ऐसे ले लेंगे कि कोई पूछो मत। तो एक एक व्यक्ति करके आओ, सामने आओ, एक एक व्यक्ति बना सकता है। बरुआ सागर की कोई औकात नहीं है। बरुआ सागर एक छोटा गांव है, छोटी शक्ति है, छोटी हैसियत है। झांसी के सामने बरुआ सागर कुछ भी नहीं है, लेकिन भावना बहुत ऊंची है। वहाँ के लोग बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, और झांसी के लोग थोता चना बाजे घना। थोता चना होता ना, थोता थोता चना बाजे घना। बजा रहे हैं बाजे, 15 दिन हो गए। खुशी ने आकर एक ने कहा, महाराज मेरा मन है कि एक ऐसा विद्यालय खुले, उस विद्यालय में 2-5 करोड़ रुपए लगेंगे, मैं लगाऊंगा, विद्यालय बनाना है मुझे। इस किसी ने आगे कहा, 2 नंबर में कहा, वो तो कह ही सकता था ना। बस झगड़े निपटाओ, झगड़े कौन निपटाए, झगड़े तो दाता ही निपटाएगा। और वो सामने आ जाए फिर देखो मजा क्या होता है। विद्यालय बन जाएंगे, संशाला बन जाएगी, धर्मशाला बन जाएगी, हम रहें या ना रहें, हमारे पास एक जादू है। मैं जाने के बाद भी वहाँ एक भूत बैठा देता हूँ, वो काम करता रहता है। चिंता मत करो, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने आज तक क्षेत्र बने हैं, मैंने बैठ करके कोई क्षेत्र नहीं बनाया, कोई भी क्षेत्र बैठ करके नहीं बनाया, शुरू करके आ गया, क्षेत्र बनते रहते। आप ललितपुर देखिए, 12 में दिवाली के समय शुरू करके गया था, 10 साल नहीं आया, अभी बना हुआ क्षेत्र का पंचायत कराया। कहीं नहीं बैठता मैं क्षेत्रों पर, और क्षेत्र के काम होते हैं। पर आप लोगों को क्षेत्र ना है, कोई आकर के तो कहे कि महाराज मुझे 2-4 करोड़ रुपया खर्च करना है, कोई अच्छे कार्य में बताइए किसमें खर्च करें, तो काम होने वाले हैं। बाकी इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाले। नेता लोग तो चेतने वाले हैं नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश से तुम कोई अपेक्षा करोगे तो झांसी डूबती ही जाएगी। झांसी का डूबना निश्चित है। बस यदि झांसी को बता सकते हैं तो श्रावक यदि आवाज उठा ले और दान का बीड़ा उठा ले तो झांसी बच जाएगी, करगुआ बच जाएगा, और महावीर ने वो कौन सा है वो बच जाएगा, भावापुरी बच जाएगी, और झांसी का मस्तक ऊंचा उठ जाएगा, और जैन धर्म का झंडा ऊंचा उठ जाएगा। इन नेताओं से कुछ नहीं होने वाला। दातार फील्ड पर वर्कर चाहिए, और वर्कर में हर चीज के लिए आज धन चाहिए। धन के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। आज उस जमीन पर 50 साल से तुम क्यों नहीं बना पाए, पैसे के अभाव में। और अच्छी चीज बनाओ, बढ़िया बनाना चाहिए। तो आज सीधी, अभी तक तो छुपी छुपी चल रही थी, आज क्या हो गई, सीधी सीधी ठेठ बुंदेलखंडी में, सीधा बुंदेलखंडी में समझा दिया। आओ, आज आओ, कल शुरुआत पाओ। हमारे पास एक रात भी काफी है। एक रात में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तुम आइए और 24 घंटे में आप उसकी फल की शुरुआत देखिए। जागो और जगाओ। क्या कहा, जागो और जगाओ। दातारों को जगाओ, फुटकर नहीं, ये चंदा चिट्ठा वाला नहीं। एक एक दो दो व्यक्ति मिलकर आ जाएं, 5 लोग मिलकर आ जाएं, 10 लोग मिलकर आ जाएं, महाराज विद्यालय हम बनाएंगे, हम 10 लोग मिलकर बनाएंगे, 10 लोग मिलकर बनाएंगे। अभी सरौंज है तुम्हारे यहाँ, हाँ छोटी सी समाज है, इतनी समर्थ नहीं थी। जैसे ही वहाँ जमीन पड़ी थी, 10 लोगों ने आके भीड़ा उठाया, महाराज सारा खर्च, सारा बिल्डिंग का पूरा खर्च हम 10 लोग मिलकर के बनाएंगे, पूरी बिल्डिंग बनाएंगे, नक्शा आप दीजिए, पैसा हम लगाएंगे और बिल्डिंग खड़ी करेंगे। 10 लोग मिल जाओ, 15 लोग मिल जाओ, 20 लोग मिल जाओ, जो स्वयं का स्वयं आ जाओ, हम 20 लोग मिल करके विद्यालय बना देंगे, 20 लोग मिलकर बना देंगे, 50-50 लाख लगा देंगे, 1-1 करोड़ रुपया लगा देंगे, 25-25 लाख लगा देंगे, 20 लोग ग्रुप बनाओ और आओ तैयारी के लिए, देखो काम कैसे नहीं होते, ऐसे काम होंगे। जिज्ञासा समाधान के पश्चात परम पूज्य गुरुदेव भगवान की मंगल आरती का सौभाग्य, कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा
जो परम पूज गुरुदेव की मंगल आरती का सौभाग्य प्राप्त करेगा, 21,121 रुपया। प्रथम आरती 21,121 रुपया। कोई और इसमें 21,121 रुपया, 21,000 रुपया, 121 रुपया दो और 21,121 रुपया तीन। ये सौभाग्य श्री राजेश जैन, सरोज जैन, प्रियंका जैन, पीयूष जैन, प्रकृति जैन, एकत्व जैन समस्त वगैरह परिवार झांसी। दूसरी आरती के लिए 21,121 रुपया। देखो बरुआ सागर का एक संस्मरण सुना दो। मैं तीन दिन वहाँ भी, मैंने कहा छोटी समाज है यहाँ क्या करें। एक व्यक्ति ने कान में आके कहा शाम को, बोले महाराज जी आप चिंता नहीं करें, जितना आपकी योजनाएं हैं जितना समाज देवे तो देवे, नहीं तो आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं पूरा विद्यालय बनाऊंगा। अरे मैंने कहा ये पूरा है, बोले हाँ पूरा, जो समाज देवे तो देवे नहीं तो पूरा मैं बनाऊंगा। मंदिर में आके कह गया महाराज कोई मंदिर बनावे या नहीं बनावे, पूरा मंदिर मैं बनाऊंगा। मैंने कहा मंदिर बहुत बड़ा होता है, और महाराज आप आशीर्वाद दो, है ना ऐसे। और उन्होंने शाम को कहा, सुबह तो मैंने कमंडल उठा करके सीधा संस्कृत विद्यालय में पहुंच गया, और चार दिन में क्या करके आया वो सबको मालूम है। चार दिन का वो सिद्ध चक्र मंडल विधान नहीं था, चार दिन में विद्यालय का उद्धार था। लेकिन मैं तो चार दिन का क्यों कराता हूँ वहाँ जंगल में बैठ कर विधान। लेकिन उसने कान में आके कह दिया कि महाराज जो करे तो करे, नहीं तो मैं करूँगा सब पूरा। यहाँ तुम 15 दिन में सिद्ध चक्र मंडल विधान का आशीर्वाद नहीं ले पाए, माइक पे तो कह रहे हो लेकिन कान में कोई नहीं कह रहा महाराज जी, कान में कोई नहीं कह रहा कि महाराज जी आपको बोलिए आशीर्वाद दीजिए, मैं ये काम करूंगा, मेरे करने का मन है। वो व्यक्ति कान में कह जाए, बाकी ये नेताओं वेताओं की बातों से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों व्यक्ति तुम्हारे कितने मेरे कान में कहते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं इनकी भाषाएं, इनसे कोई असर नहीं पड़ने वाला। मेरे पे असर पड़ेगा कोई दानी मेरे कान में कह जाए, फिर देखो हमारा मजा चमत्कार तुरंत चालू हो जाए। चलो चलिए 21,121 रुपया एक, 21,121 रुपया दो और 21,121 रुपया तीन। यह सौभाग्य श्री राजीव जैन शिवाजी परिवार को प्राप्त हुआ है। आ जाए राजीव जैन शिवाजी, आ जाए। चलिए सुधा सागर की गुण
कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे